जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैं श्यामवीर तालियान और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल तालियान फिटनेस में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के उन टॉप लेवल के बॉडी बिल्डरों के बारे में जिनका चुनाव अभी कुछ दिन पहले एशियन और वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप के लिए किया गया है। और दोस्तों ये सिलेक्शन ट्रायल 21 से 22 मई 2022 में करा गया था पोंटा साहिब हिमाचल में IBBF के द्वारा। IBBF यानी कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल है। दोस्तों वैसे तो भारत में और भी अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर हुए हैं और होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्तमान के उन बॉडी बिल्डरों की जो IBBF यानी कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से खेलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे भारी भरकम बॉडी बिल्डर की जो 100 प्लस में खेलते हैं और जिन्हें लोग इंडियन बाहुबली या इंडियन हल्क कहकर भी बुलाते हैं। हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं अनुज कुमार तालियान की। अनुज तालियान इंडिया के सबसे भारी भरकम बॉडी बिल्डर में से एक हैं और दोस्तों ये 100 प्लस वेट कैटेगरी में खेलते हैं। इनका ऑफ सीजन का वेट होता है लगभग 120 केजी के करीब और इनके डोले का साइज़ है लगभग 23 इंच का और इनकी थाई का साइज़ होता है लगभग 35 इंच का। और दोस्तों लगभग इसलिए बोलता हूँ कि साइज़ सीजन और ऑफ सीजन में कम या ज़्यादा होता रहता है। और दोस्तों अनुज तालियान आर्मी में सेवारत हैं। इन्होंने कई बार सर्विसेज चैम्पियन का खिताब और वर्ल्ड में गोल्ड मेडल और मिस्टर इंडिया में कई बार गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। और दोस्तों अब इनका सिलेक्शन एशियन और वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप के लिए हुआ है। साथ ही हम बात करते हैं 100 प्लस वेट कैटेगरी में खेलने वाले नितिन चंदेला जी की और इनसे एक छोटी सी मुलाकात। भाई या साथ में नितिन भाई कौन से वेट में खेल रहे हो? अनुज भाई वाले वेट में खेला यानी कि 100 प्लस में। ठीक है भाई, नितिन भाई है, नितिन भाई एशिया के लिए वर्ल्ड के लिए दोनों के लिए खेलेंगे, एशिया भी खेलेंगे और वर्ल्ड भी खेलेंगे। आप दोनों भाई परमिशन दोगे? अरे यार बात कर रहे हैं, परमिशन लिख दी भाई, हमारी खुल का परमिशन है यार, खेलो बढ़िया करो भाई, नाम करो, हमारा भी करो और देश का भी करो, हम तो दे चाह। ठीक है भाई, और बस अच्छा करो भाई। संदीप भाई उस्ताद पता है लेकिन नाम भूल गया था। संदीप भाई उस्ताद हैं भाई नितिन भाई के। ठीक है, ये इनको प्रैक्टिस करवाते हैं और भाई बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया नितिन भाई ने, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया। और फॉलोअर तो आप देखते हो कितने ज़्यादा हैं भाई के। नहीं भाई, भाई मैं तो ये कहूँ यार, बहुत अच्छा, छोटे भाई दिन दूनी रात चौड़ी तरक्की करें भाई, आप लोगों का प्यार। नहीं बढ़िया भाई, प्यार हमेशा रहेगा भाई। अच्छा भाई, बढ़िया लगा भाई आपसे मिलकर, अच्छी तैयारी। ठीक है। और दोस्तों नितिन भाई एक अच्छे यूट्यूबर भी हैं, एक सफल यूट्यूबर हैं, इनकी वीडियो बहुत चलते हैं और बहुत चर्चित है ये बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में। और दोस्तों पहले ये रिजर्व में रखे गए थे लेकिन नितिन भाई ने एक वीडियो डाली थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो इनका भी सिलेक्शन शायद चैम्पियनशिप के लिए हो गया है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे 9200 यानी कि 100 केजी वेट कैटेगरी में खेलने वाले दिग्गज खिलाड़ी रामनिवास मलिक की। रामनिवास भाई रेलवे से हैं और इन्होंने एक बार मिस्टर इंडिया में ओवरऑल चैम्पियन ऑफ चैम्पियन का खिताब जीता हुआ है और इन्होंने कई मिस्टर इंडिया में गोल्ड मेडल भी जीते हुए हैं। रामनिवास भाई की बॉडी की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी बहुत अच्छी है, सारी मसल बहुत अच्छी हैं और सबसे इनका प्लस पॉइंट है, सबसे इनका स्ट्रॉन्ग मसल है इनकी बैक और लोअर बैक, इसी वजह से ये गोल्ड मेडल से कभी नहीं चूकते। और दोस्तों इस सिलेक्शन ट्रायल में रामनिवास मलिक जी का भी सिलेक्शन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे 85 केजी वेट कैटेगरी में खेलने वाले दिग्गज बॉडी बिल्डर यतेंद्र पंवार जी की। इनका भी सिलेक्शन एशिया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए हुआ है। और दोस्तों इससे पहले भी ये एक बार एशिया चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और उससे पहले इन्होंने कई बार मिस्टर इंडिया में भी गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। और दोस्तों ये एक सफल यूट्यूबर के साथ साथ जिम संचालक भी हैं
और इन्होंने फिटनेस लाइन में अच्छा खासा नाम कमाया है। तो दोस्तों ये थे इंडिया के वे टॉप बॉडी बिल्डर जिनका सिलेक्शन वर्ल्ड और एशियन चैम्पियनशिप के लिए हुआ है, और इससे पहले भी इन्होंने कई खिताब अपने नाम किए हुए हैं, जिस वजह से ये इंडिया के टॉप बॉडी बिल्डरों की गिनती में आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो कमेंट्स करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।